स्वागत है आप सभी लोगों का आज की एक विशेष श्रृंखला जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित। और जैसा कि मैं आपको बता देता हूं कि आपकी सभी प्रकार की परीक्षा में, चाहे वो प्री UPPCS या IAS या अन्य जो परीक्षाएं होती हैं छोटी आपकी UP SSSC की, SSC की, इन सारी परीक्षाओं में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ जो UPSC की जो मुख्य परीक्षा है और मुख्य परीक्षा के साथ साथ जो स्टेट सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी जो मुख्य परीक्षा है उसके तीसरे प्रश्न पत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड से प्रश्न पूछे जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको एक लेक्चर में पहले भी आपको बताया था जहाँ मैंने आपको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का पूरा सिलेबस डिकोड किया था, तो उसमें एक टॉपिक था नैनो टेक्नोलॉजी। तो आज हमारी चर्चा का विषय जो है पहले भाग में नैनो टेक्नोलॉजी का परिचय और कुछ बातें जो इसके लेक्चर में कवर हो जाएंगी वो मैं आपको उस आपसे चर्चा करूंगा। स्वागत करता हूं मैं उमेश श्रीवास्तव आज के इस लेक्चर में आपके। और नैनो टेक्नोलॉजी के को पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आपके खंड है इससे प्रश्न निरंतर पूछा आपके जाएगा, इसलिए एक एक लाइन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान से आप नोट करिएगा या फिर नोट्स की डिमांड करिएगा, जैसा भी आपको लगता है। तो शुरुआत करते हैं हमारे इस विषय को। मैं उमेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका नैनो टेक्नोलॉजी के इस खंड में। तो देखिए, सबसे पहले विज्ञान जगत में पदार्थ का नैनो पैमाने पर क्रियाओं और गुणों का अध्ययन कर उसे तकनीकी में प्रयोग करना नैनो टेक्नोलॉजी है। तो ये इसकी परिभाषा हुई। अगर आपसे आपको डेफिनेशन लिखनी है अपने मेंस में तो आप ये लिख सकते हो बड़े आराम से। और यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, तो नैनो जब पूछा जाएगा तो 10^-9 मीटर्स को नैनोमीटर कहा जाता है, तो नैनो पैमाना यही कहलाता है आपका। तो ये पैमाना जो है, देखिए, एक तो होती है साइंस और दूसरी है टेक्नोलॉजी। यहाँ फर्क समझिएगा, इंग्लिश में परिभाषा बनती है इसकी साइंस इन एक्शन एट नैनो स्केल। बड़ी आसान सी परिभाषा है, साइंस इन एक्शन कहाँ, एट नैनो स्केल। साइंस इन एक्शन इन नैनो स्केल। देखिए, साइंस क्या है, आधारभूत सिद्धांत है। और जब हम उन सिद्धांतों का प्रयोग मानव जीवन के उपयोग में लाते हैं तो वो टेक्नोलॉजी या तकनीक कहलाती है। तो ये चूंकि टेक्नोलॉजी है, हमारे जीवन में प्रयोग की जाती है, इसके सिद्धांतों को का अनुप्रयोग हमारे जीवन में कई जगह पर है, इसलिए हम इसको टेक्नोलॉजी कहते हैं। नैनो साइंस जब हम कहेंगे तो उसके आधारभूत सिद्धांत उसके अंतर्गत आएंगे कि किस तरह से बनाया जाता है, क्या किया जाता है, लेकिन जो बन जाता है वो हमारे जीवन में कैसे काम आता है वो टेक्नोलॉजी है। तो ये थोड़ा सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बीच अंतर आप समझिए। मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ अपने कुछ लेक्चर्स में। देखिए, सबसे पहले इस अवधारणा को सर्वप्रथम रिचर्ड फेमैन ने 1959 में प्रस्तुत किया था। तो ये आप नोट कर लीजिए, और ये इसके जनक कहलाते हैं। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि नैनो प्रौद्योगिकी के जनक कौन है, सामान्य परीक्षा SSC वगैरह में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन है, तो याद रखिएगा रिचर्ड फेमैन को माना जाता है। नैनो प्रौद्योगिकी शब्द को प्रसिद्ध एरिक डेक्सलर ने किया था, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, एरिक डेक्सलर ने इस शब्द को प्रसिद्ध किया। एग्जैक्टली, पॉपुलैरिटी जो मिली नैनो टेक्नोलॉजी को, वर्ड को, वो एरिक डेक्सलर से मिली। तो याद रखिएगा, इंग्लिश की स्पेलिंग भी देख लीजिएगा, एरिक डेक्सलर। अब बात करते हैं भारत की। तो भारत में भी जाहिर सी बात है कि नैनो प्रौद्योगिकी को 2007 के बाद जो है बढ़ावा देने की बात सरकार ने की। तो सी एन आर राव जो हैं वो नैनो प्रौद्योगिकी के भारत में जनक कहलाते हैं। नाम याद रखिएगा, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 1 नैनोमीटर = 10^-9 मीटर, ये भी आप याद रखिएगा। ये तो बहुत किसी भी पुलिस की परीक्षा में और ये छोटी मोटी परीक्षाएं जो आपकी होती हैं वहाँ पूछा जा सकता है। मैं बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट से उठा करके एक एक पॉइंट से आपको बता रहा हूँ ताकि छोटी मोटी चीज़ भी ना सोचे छूटे आपकी, और फिर हम इसको टॉप लेवल तक लेकर के जाएंगे, कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं इसमें, जो आपके
परीक्षा के उपयोगी है, उन बातों को जरूर इसमें समावेश नहीं किया जाएगा जो सैद्धांतिक बातें हैं जो आपसे परीक्षा में कभी पूछी नहीं जाएंगी। अब देखते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी में ऐसा क्या खास है, क्या विशेष है, स्पेशल क्या है इसमें ऐसा जो हम इसको इतनी तवज्जो देते हैं, ठीक है, व्हाट इज़ स्पेशल इन नैनो टेक्नोलॉजी। तो देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी की सबसे विशेष बात यह है कि नैनो स्तर पर पदार्थ सामान्य व्यवहार से बिल्कुल भिन्न व्यवहार करते हैं। तो जो हमारे मटेरियल्स हैं, पदार्थ हैं, सब्सटेंसेस हैं, तो इनकी एक खूबी होती है कि नैनो लेवल पर जब ये जाते हैं, नैनो लेवल मतलब इस माप पर जब ये आते हैं, इस साइज़ पर जब ये आते हैं, तो इनका व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रह जाता जैसा कि सामान्य रूप से वो व्यवहार करते हैं। जैसे सोना नॉर्मली आपको दिखाई जैसा देता है, लोहा आपको जैसा दिखाई देता है, या और भी कोई पदार्थ ऐसे कार्बन जैसा आपको दिखाई देता है, तो जब ये इस लेवल पर जाकर के पहुंचते हैं तो इनका जो व्यवहार है वो पूरी तरह से बदल जाता है। ये पहली बात है, और अगर आप मेंस में लिखने के लिए जाएं तो ये ज़रूर बात वहाँ लिख करके आइएगा, और ये ऑप्शन बना करके भी आपसे आईएएस जैसे प्रश्न या जहाँ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं वहाँ ये लाइन आपको डाल करके पूछी जाती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ इसके संबंध में, उस पर भी बहुत इंपॉर्टेंस से आप ध्यान दीजिएगा कि नैनो पैमाने पर भौतिक विज्ञान के सभी नियम कार्य नहीं करते। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपके जो आप जो भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं अपने सिलेबस में, उस भौतिक विज्ञान का कोई नियम नैनो स्तर पर कार्य ही नहीं करता। अब ये कौन से नियम है इसको आप समझिए थोड़ा सा। जैसे न्यूटन का नियम आपने पढ़ा होगा न्यूटन का नियम, ठीक है, तो न्यूटन का नियम आपने पढ़े होंगे, गति के नियम न्यूटन के, ठीक है, तो न्यूटन का कोई नियम काम नहीं करेगा यहाँ पर। आपने ग्रेविटेशन के लॉज पढ़े होंगे, तो ग्रेविटेशन के जो लॉज हैं वो यहाँ पर बिल्कुल काम नहीं करेंगे। इसके बाद आपने और लॉज पढ़े होंगे भौतिक विज्ञान में, जैसे आपने प्रेशर के लॉज पढ़े होंगे, पास्कल का लॉ पढ़ा होगा, गैस के लॉज पढ़े होंगे, सारे लॉज जो आपने भौतिक विज्ञान में पढ़े हैं इनमें से एक भी भौतिक विज्ञान का लॉ नैनो लेवल पर काम नहीं करता। ये लाइन आप ध्यान करिएगा, ये आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाने में प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। तो अब हम देख लेते हैं कि कब कौन सा नियम जरा सा काम करता है। जैसा मैंने आपको समझाया है कि एक एक बात को इतने स्पष्ट रूप से आपको समझाया जाएगा कि नैनो प्रौद्योगिकी को लेकर के आपके दिमाग में किसी प्रकार की कोई जो असमंजस है या किसी प्रकार की कोई किसी प्रकार का कोई आपको कन्फ्यूज़न है वो रह ही नहीं जाएगा। एक एक चीज़ आपको छोटे से लेकर बड़ी तक सब समझ में आएगी। तो देखिए, सबसे पहले तो 10 की घात 3, इसको हम स्थूल स्तर मान सकते हैं, इंग्लिश में इसको हम मैक्रो लेवल कहते हैं, कणों का पार्टिकल्स का मैक्रो लेवल कहते हैं, ध्यान रखिएगा। मैं और मैक्रो ही लिख करके आइएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप स्थूल या कुछ लिख करके आएँ, क्योंकि ये साइंटिफिक वर्ड्स हैं, आप वैसे ही लिख लीजिएगा इसको, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैक्रो लेवल यानी 10^-3 के स्तर तक जब कण का साइज होता है, चाहे वो फिर अणु हो या परमाणु कोई भी, तो उस पर गुरुत्वाकर्षण के नियम काम करते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और मेरी और भी क्लासेस जो साइंस की डली हुई हैं आप उसको बार बार देखा करो, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपके अंदर गहराई आएगी। फिर सेकेंडली अब आता है 10^-6, ये आपका कहलाता है माइक्रो लेवल, इसको आप माइक्रो ही कहेंगे, इसके लिए कोई अलग शब्द हम यूज़ नहीं करेंगे, माइक्रो लेवल कहेंगे, ठीक है। तो माइक्रो लेवल पर जो है हमारे वीक फोर्सेस, कौन से फोर्सेस, वीक फोर्सेस काम करते हैं। मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर क्षीण बल, ठीक है। अब आते हैं 10^-9 के लेवल पर, आपका कंसेप्ट इतना प्यारा क्लियर हो जाएगा चीज़ों को कि आपको देखने का नज़रिया बदल जाएगा। इस लेक्चर को आप पूरा ढंग से सुनिए। तो इस स्तर पर जब आप पहुँचते हैं 10^-9 के स्तर पर, ये नैनो स्तर है आपका, यहाँ पर भौतिक विज्ञान का कोई नियम कार्य नहीं करता, याद रखिएगा इसको, कहीं ना कहीं गांठ मान लीजिए इसको, जब मेंस में भी आंसर लिखेगा तो ज़रूर लिख करके आइएगा इसको, व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट नैनो टेक्नोलॉजी। तो द मेन डिफरेंस है ना, द पार्टिकल्स बिहेव वेरी डिफरेंटली एज नॉर्मल बिहेवियर, तो यहाँ पर बिहेवियर पूरा बदल जाता है। अब देखिए 10^-9 से अगर ज़्यादा है साइज और आगे बढ़ता है लेस देन,
ठीक है, देखिए लिखा हुआ है, तो ये नाभिकीय स्तर आ जाता है आपका, ठीक है, फर्मीमीटर बोलते हैं इसको, ठीक है ना, याद रखिएगा, पूछ भी लेते हैं। नाभिकीय दूरियां जो हैं वो फर्मीमीटर में नापी जाती हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैंने लिख लिया है, आप ध्यान कर लीजिएगा। इस स्तर पर क्वांटम भौतिकी के नियम कार्य करते हैं। क्वांटम फिजिक्स पर मैंने पूरा एक लेक्चर बना रखा है, दोनों श्रृंखलाएं आप जा करके चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं बड़े आराम से। तो क्वांटम फिजिक्स के सारे लॉज यहाँ पर काम करते हैं इस लेवल पर आकर के, जो न्यूक्लियर लेवल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, नैनो कणों या पार्टिकल्स, जिसको नैनो पार्टिकल्स बोलते हैं, के गुण यानी प्रॉपर्टीज। नैनो पैमाने पर नैनो कणों की भौतिक और रासायनिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं। तो देखिए, मैंने जैसा बताया था कि नैनो स्तर पर जब कोई पार्टिकल आता है, यानी कि हम उसको इतना छोटा करते चले जाते हैं, इसकी तरीका होता है, ठीक है ना, दो अप्रोचेज होती हैं, एक टॉप डाउन और एक बॉटम अप। लेकिन ये क्या अप्रोच है, इससे आपको लेना देना ज़्यादा नहीं है। एक बॉटम अप अप्रोच है, नीचे से ऊपर की तरफ को, और एक टॉप डाउन मतलब नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ को, यानी किसी बड़े कण को छोटे स्तर पर करते चले जाते हैं। अब उसमें आपको नहीं जाना, वो साइंस है उसकी, ठीक है, इसलिए बेवजह चीज़ों को पढ़ने से भी बचना है आपको। कहीं मिल जाता है मटेरियल नोट्स वोट्स में ऊपर टांग, तो उससे बचिए आप, बेमतलब का टाइम वेस्ट होगा, क्वेश्चन नहीं आएगा फालतू में। बताने को मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ, उसकी आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, नैनो पैमाने पर क्या होता है, इसके भौतिक यानी कि फिजिकल और रासायनिक यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज हो जाती हैं, ठीक है। इंग्लिश में भी मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया। अब वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं भाई जो चेंज होती हैं? सबसे पहले तो कलर, रंग बदल सकता है, गलनांक मेल्टिंग पॉइंट बदल सकता है, वेरी कर सकता है, क्रिस्टलीय संरचना क्रिस्टलाइन जो स्ट्रक्चर होता है वो बदल जाती है, रासायनिक अभिक्रियाशीलता केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो बदल जाती है, ठीक है। इसके बाद चुंबकीय गुण बदल जाते हैं पूरी तरीके से, और यांत्रिक शक्ति यानी कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ मतलब जैसे आप देखते हैं कि लोहा बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। तो देखे देखेंगे जैसे लोहा बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, इसलिए हम उसका बिल्डिंग मटेरियल्स के निर्माण में काफ़ी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, उसी बदले में हम प्लास्टिक का प्रयोग या किसी और पीतल का या किसी और धातु का नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जो यांत्रिक शक्ति है वो उतनी नहीं होती है। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मतलब मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो ये जो गुण हैं, छह गुण जो आपको दिखाई दे रहे हैं, मीन्स में अगर आ भी जाए कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इन प्रॉपर्टीज़ के आसपास आपको घूमना है बिल्कुल, ये ध्यान रखिएगा। यही प्रॉपर्टीज़ हैं जो बदलती है नैनो लेवल पर आ करके। अब एक एग्जाम्पल से मैंने इसको समझाया है, ऊपर की प्रॉपर्टीज़, एक उदाहरण लिया है मैंने गोल्ड का, स्वर्ण का, AU का संकेत होता है केमिस्ट्री में। तो हमने चार लेवल पर इसको डिस्कस किया है, कलर के लेवल पर, विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, चुंबकीय गुण और रासायनिक अभिक्रियाशीलता। चार पैमानों पर हमने देखा है कि नैनो लेवल पर ये कैसा काम करता है। तो सोना आप सभी लोगों ने देखा है, तो सोना नॉर्मली अपने लेवल पर ये पीला दिखाई देता है, लेकिन इसके जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। देखिए कलर बदल गया, और यही बात आपको समझाने की कोशिश हो रही थी। इतना अच्छा लेक्चर आपको कहीं मिलेगा नहीं, मैं आपको गारंटी करता हूँ। विद्युत चालकता, नॉर्मली सोना जो होता है विद्युत का चालक होता है, लेकिन इस नैनो लेवल पर आते आते इसकी चालकता काफ़ी कम होने लगती है। अब देखिए चुंबकीय गुण, वैसे तो ये नॉन मैग्नेटिक है और चुंबकीय है, लेकिन इसकी चुंबकता जो है वो धीरे धीरे क्या होती है, 3 नैनोमीटर पर, ये लिखा हुआ है देखे, 3 नैनोमीटर पर चुंबकीय हो जाता है, ये बढ़ने लगती है इसकी चुंबकता। इसके बाद देखिए रासायनिक अभिक्रियाशीलता, तो ये जो है रासायनिक रूप से अक्रिय होता है सोने की, ये भी खास बात है, इसलिए इसमें कोरोजन की प्रक्रिया नहीं होती। जैसे आप लोहा देखते हैं उसमें जंग लग जाती है धीरे धीरे, सोना इसलिए भी महंगा है कि इसमें किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं होता, जैसा है वैसे ही रहता है और सालों तक वैसे ही रहता है, ये खराब नहीं होता है, ये घिसता नहीं है, इससे कोई कंपाउंड रिएक्ट नहीं करता, पानी वगैरह किसी भी चीज़, तो ये सदियों तक जैसा है वैसा ही रहता है, ये भी इसकी एक कीमती होने का कारण है इसका। तो रासायनिक अक्रिय है, लेकिन देखिए अब जा करके कि यदि ये नैनो लेवल पर पहुंचता है तो ये विस्फोटक हो जाता है और उत्प्रेरक का कार्य भी कर सकता है, कैटलिक होता है और एक्सप्लोजिव होता है। मेरी समझ से ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। नहीं आई हो तो एक बार फिर से पूरा रिपीट करके आप इसको सुन लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं।
अब देखते हैं नैनो कणों का वर्गीकरण। ये क्वेश्चन आपसे मेंस में भी पूछा जा सकता है या प्री में भी पूछा जा सकता है। अब कैसे पूछा जा सकता है देखिए, पहले हम देख लेते हैं। नैनो कणों को हम बेसिकली पांच पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पांच प्रकार के नैनो कण होते हैं। पहला है आपका फुलरीन और कार्बन नैनो ट्यूब्स। चाहे तो आप इसको अलग अलग भी ले सकते हैं, फुलरीन को अलग और कार्बन नैनो ट्यूब्स को अलग, ऐसा भी ले सकते हैं और ऐसे ले तो एक में भी ले सकते हैं। इसके बाद धातुएं यानी मेटल्स, जिनको नैनो लेवल पर लाया जाता है। सेरेमिक्स, सेरेमिक्स माने चीनी मिट्टी, लेकिन वहाँ आप सेरेमिक्स ही लिखेंगे। जैसे आपकी जो टाइल्स, फ्लोर टाइल्स जो बिस्ती हैं, वो आपके जो कप होते हैं चाय पीने वाले, वो तो सेरेमिक्स। इसके बाद सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक, इनको क्वांटम डॉट्स कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आज की अवधारणा में क्वांटम डॉट्स का संबंध किससे है। तो जवाब क्या होगा, नैनो पार्टिकल्स जो अर्धचालक का कार्य करते हैं उनको हम क्वांटम डॉट्स कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने दिमाग में बहुत अच्छे से डाल लीजिएगा। आगे जा कर के मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा। और लास्ट वन इज पॉलीमरिक। तो ये पांच प्रकार की चीज़ें हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए इसमें बना करके एक देखिए कैसे, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो एक दो तीन चार दे दिए, पाँच दे दिए ऑप्शन, और फिर पूछा इनमें से कौन नैनो प्रौद्योगिकी के अवयव हैं, इस तरह से पूछ लिया। फिर उसके बाद आपसे ए बी सी करके बनाए और उसमें ऑप्शन दे दिए, ऐसे एक व दो, दो व तीन। अब जो तैयारी करते आ रहे हैं उनको तो पता ही है, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, छोटी परीक्षा में या किसी परीक्षा में, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा नैनो प्रौद्योगिकी से संबंधित है, नहीं है। तो अब जैसे नैनो ट्यूब्स को तो सब लोग जानते हैं, कार्बन नैनो ट्यूब्स। अब फुलरीन के बारे में लोगों के दिमाग में रहता है कि ये कार्बन का सिर्फ एक अपरूप है, लोगों को ये नहीं पता कि बेसिकली ये नैनो लेवल पर बनाया जाता है, ये लोग बाग नहीं जानते। तो ये भी एक चीज़ ऐसी इंपॉर्टेंट है जो आपको कंफ्यूज कर सकती है। सेरेमिक्स हैं, इनके बारे में लोगों ने नहीं सुना होता। नैनो टेक्नोलॉजी के नाम पर जो भी कुछ पता है लोगों को, वो कार्बन नैनो ट्यूब्स ही पता है, इसलिए यहाँ से आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है, इसलिए आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम फुलरीन्स को देखते हैं। आज का लेक्चर हम फुलरीन्स पर ख़त्म कर देंगे। पहला लेक्चर था, काफ़ी चीज़ें आपको बतानी थी, तो देखते हैं फुलरीन्स क्या हैं। फुलरीन्स पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है, ठीक है, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। पहली बात, पहली डेफिनेशन, जिसमें 28 से लेकर के 100 से अधिक अणु होते हैं कार्बन के, ठीक है, ये इसकी परिभाषा है। जो एक खोखले गोले का निर्माण करता है, यानी कि जो इसका स्ट्रक्चर है वो बॉल शेप का होता है, इस तरह से बॉल जैसा होता है, लेकिन इसमें 28 से लेकर के 100 से अधिक अणु हो सकते हैं, जो इसको एक बॉल का शेप देते हैं पूरी तरह से, और ये बेसिकली क्रिस्टलीय यानी कि क्रिस्टलाइन होता है, ये इसकी परिभाषा है। अगर पूछ लिया जाता है मेंस में तो यही लिखिएगा, और कभी कभार परिभाषा को लेकर के ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिया जाता है, जिसको आप अपनी भाषा में MCQ कहते हो, तो भी आप इसको यहाँ से हल कर लेंगे। नए उत्पादों के निर्माण में इन्हें विभिन्न कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों से आबंधित किया जाता है या किया जा सकता है। नई चीज़ों का निर्माण जब करना है तो इनको दोनों तरीके के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से आप बॉन्डिंग इनकी कर सकते हैं। आबंधित मतलब बॉन्डिंग, इंग्लिश में केमिस्ट्री जो लोग पढ़े हैं, बॉन्डिंग हो जाती है इनकी। अब प्रयोग काय काय में होता है इनका, देखिए सबसे पहले प्रयोग पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, फुलरीन्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, सौर और लिथियम बैटरियों में। अब लिथियम बैटरी आपके मोबाइल में लगी हुई होती है, ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कहाँ लगी रहती है, मोबाइल की जो आपकी बैटरी होती है वो कौन सी बैटरी होती है, लिथियम बैटरी होती है। ध्यान से सुनते जाइएगा एक एक चीज़ को, लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा यूज़ जो है इसका, वो गैसों के भंडारण में किया जाता है, स्टोरेज ऑफ गैसेस, जैसे ऑक्सीजन और मीथेन। इसके बाद विभिन्न बीमारियों के उपचार में, जैसे एड्स वगैरह है, इस तरीके की जो वायरल डिजीज़ हैं ख़तरनाक किस्म की, उसके उपचार में भी किया जा रहा है। आने वाले समय में और भी इसमें जब बढ़ावा मिलेगा तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाने के बाद। देखिए, AI भविष्य में जा कर के कनेक्ट होगा किसके साथ में, नैनो टेक्नोलॉजी के साथ में, और तब ये और तेज़ी से काम करेगा। इस पर हम कभी भविष्य में एक लेक्चर बनाएंगे आपके लिए। और रबर और प्लास्टिक के
एडिटिव्स के रूप में यूज़ किया जाता है इसको। तो ये चार यूज़ जो मोटे मोटे हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं, तो ये आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो पहला जो हमारा लेक्चर था, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा कार और नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर। अगर आपको कोई चीज़ और चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आप सर ये चीज़ समझा दीजिएगा, मैं उसमें आपको बता दूंगा। पहले तो मैं अपनी सीरीज़ को ख़त्म करूंगा अच्छी तरह से पूरी नैनो टेक्नोलॉजी की, आपके जो प्रश्न हैं उनके जवाब दिए जाएंगे आपके संतुष्टिपरक रूप से। आप आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर मेरा बहुत पसंद आया होगा विज्ञान का। इसी के साथ पहले भाग से मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, अगले भाग में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।